अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आप सब के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी। एक बार ये चिली चिकन की रेसिपी आप पूरा देख लेंगे तो रेस्टोरेंट से चिली चिकन मंगाना या फिर रेस्टोरेंट जा कर के चिली चिकन ऑर्डर करके खाना आप बिल्कुल भूल जाओगे, ये मेरा दावा है। तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं चिली चिकन बनाना। यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ। मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन में ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस ध्यान रहे पेस्ट बिल्कुल फ्रेश हो। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक। व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच। आप चाहो तो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मैदा। और मैदा हमें जितना लेना है उसका डबल क्वांटिटी हमें कॉर्नफ्लावर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। एक अंडा तोड़ के ऐड कर लेंगे। चुटकी भर फूड कलर ऐड कर देंगे। आप चाहो तो काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। सबको अच्छे तरह से मिला लेंगे। फिर चिकन को रेस्ट में घंटा या 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक के। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 शिमला मिर्च। इसके बीच का पार्ट जो बीच होता है उसे निकाल लेंगे। अब क्यूब्स में हो ट्रायंगल में हो कोई सा भी शेप्स दे के उसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे कटिंग में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 मीडियम साइज के प्याज। इसका व्हाइट पार्ट कट करके बीच से कट करके क्यूब साइज में छोटे छोटे कट कर लेंगे। 4 हरी मिर्च ले रही हूँ। उसे इस टाइप का कट कर लेंगे। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो। 1 से 1.5 इंच अदरक और 10 से 12 लहसुन का कलिया को छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लाल सूखी मिर्च। इसे हम उबाल लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे चिली पेस्ट यूज करूँगी। अगर आपके पास चिली पेस्ट ना हो तो आप रेड चिली सॉक्स यूज कर सकते हो, पर चिली पेस्ट से ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आता है। पर हमारा पेस्ट रेडी है। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसे एक एक करके मीडियम फ्लेम में डाल लेना है। बस ध्यान रहे हमारा फ्लेम मीडियम हो, वरना बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। हमें हमारे चिकन को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। अब हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारे चिकन का पहला प्याज रेडी हो चुका है। आप चाहो तो ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। अब दूसरा बैच ऑयल में डाल लेंगे। पाँच से 7 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसे बर्तन में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम सॉस रेडी करेंगे। मैंने ज़रूरत के हिसाब से ऑयल रख के बाकी ऑयल बाहर निकाल दिया है। अब ऐड कर लूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट करके रखा था। इन सबको 5 से 7 सेकंड तक सौटे कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे जो रेडी करके रखा था चिली पेस्ट, वो ऐड कर लेंगे 1.5 छोटी चम्मच। अगर आपके पास
चिली पेस्ट नहीं है तो आप रेड चिली सॉस यूज कर सकते हो। हमें हमारे चिली पेस्ट को अच्छे से भून लेना है जब तक ऑयल बाहर ना आ जाए। ऐड कर लेंगे कटी हुए प्याज। प्याज को मैंने क्यूब साइज में कट करके रखा था। अब ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च। इन दोनों को अच्छे से सौटे करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 चम्मच, टोमेटो केचप 2 चम्मच ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है। इन सब को सॉटे करते रहेंगे। अब ऐड कर लेंगे 2 चम्मच विनेगर। टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे नमक। बस चलाते रहना है ताकि हमारा जो सॉस बन रहा है वो जले ना। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं गरम पानी। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में पानी मिला करके एक लम्स फ्री सिलेरी बना लिया है। अब इसे पानी में उबाल आने पर ऐड कर लेंगे। अब हमारा सॉस जो है वो रेडी है। यहाँ पर ऐड कर लेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। इन सब को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप एक बार इस रेसिपी के हिसाब से चिली चिकन घर पर ही बना लोगे तो 100% गारंटी है आप रेस्टोरेंट में जाकर चिली चिकन ऑर्डर करना बिल्कुल भूल जाओगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ हमारा जो चिली चिकन है वो कितना लाजवाब दिखने में ही है, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।